हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं पैदल रामसरा, क्योंकि सालासर जाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। काफी दिनों से मैं घर पे बैठा हूँ, इंजरी हो चुकी थी इसलिए, ठीक है। लेकिन अब शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ग्राउंड में लगाया करेंगे, ठीक है। जिम में नहीं जाएंगे जब तक ठीक नहीं होते, क्योंकि नहीं तो चला नहीं जाएगा सालासर के लिए, ठीक है। तो 7-8 दिन चलना ही है बिल्कुल पैदल। तो आज प्रैक्टिस करके आएंगे रामसरा। पिछली बारी आधे रास्ते में मुड़ के आया था वापस, तो इस बार पूरा जाएंगे बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है। पीक पे हाथ लगा के फिर वापस आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो काफ़ी मज़ा आने वाला, मज़ा के मुझे आने वाला है, आपको तो पता नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार, चलते हैं अभी। प्राचीन काल से मनुष्य शिकार खेलता आया है और वो रीत अभी तक चल रही है। देखो ये शिकार खेल रहे हैं। हमें अच्छा लगता है शिकार खेलना, ये पकड़ के मेरे को शिकार पकड़। ये है सिमरन जू सेंटर, ठीक है। अगर किसी ने जुए निकलवाई हो, निकलवानी हो तो आप आ सकते हो। शिफ्ट कौन कौन सी? शिकारी का हाथ है, एक भी 24 आवर की शिफ्ट आई, ठीक है। जब भी आओ आप, सिमरन फीस की नहीं, 10 फीस बता। 1000 रुपया तो काटना ही, हां 1000 रुपये तो काटना ही। और ये मुंह मसर की दाल। मन्नू आए, हां तेरे को पैसे गया? हां मामे दे भी। गरीब नहीं, 20 रुपया आ गए मेरे अकाउंट च। कहदे काकी ले गए, मैं कहा काके 35 रुपये हो चुके हैं, 15 रुपये अकाउंट दे विच पे, ते 20 रुपया है। नहीं दोस्तों, अभी हम पहुंच गए नहर पे, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी शांति थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठ जाते हैं और पानी पुनी पी के फिर चलते हैं आगे। अभी दिन जलने वाला है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और फिर हमें दिक्कत होने वाली है रास्ते में। तो देखते हैं कितना ट्रैक हम निकाल पाते हैं। तो जल्दी से निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या। बारिशों की चादर ओढ़े आसमान में उड़ ले आजा चल। अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और अभी हमें, मुझे लगता नहीं मेरा सफर पूरा होगा, जल्दी से कवर करना पड़ेगा, जल्दी से भाग दौड़ कर जाऊंगा अभी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। मंजिलों की छोड़ के परवा, रास्तों को ढूंढे आजा चल। यार लाइफ मुझे लगता है एक सफर जैसा ही है, और मैंने अपना नाम भी राही रखा हुआ है इसलिए मुसाफिर। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके नाम का मतलब क्या है, रिहान राही क्यों रखा हुआ है। तो राही का मतलब है मुसाफिर, और मुझे लगता है ये लाइफ एक सफर जैसा है, ठीक है। और उसमें जो चलने वाला है वो मुसाफिर है, तो मैं वही मुसाफिर हूँ राही। सारा ये जहान अपना, पूरा आसमान अपना, ईंटे बादलों की होंगी, नीला हो मकान अपना। तो अभी हम पहुंच गए हैं सत्संग घर है, ये राधा स्वामी, ठीक है, राधा स्वामी जी का सत्संग घर है। तो ये शांत सा एरिया है यार, बिल्कुल अच्छा बना रखा है, सफाई भी बोलते हैं। मैंने सोचा कहा यहाँ पे बैठ के अच्छे से फोटो खींचते हैं 2-3, और फिर चलते हैं आगे। और कैमरे की ओर भी नहीं देख रहा मैं स्क्रीन की ओर देख रहा हूँ अभी देर से। अभी मुझे ध्यान पड़ा कि मैंने कैमरा उल्टा लगा दिया है। तो फिलहाल चलते हैं यार, इसके लिए देखना थोड़ा सा, चलते हैं आगे और आगे का सफर तय करते हैं। तो अभी अंधेरा हो चुका है, मैंने आज सोचा हुआ है आज तो पहुँच के फिर वापस आएंगे, ठीक है। बस जीन जिंदगी ढूंढ ले खुशी, चलता चली हुई सबसे बेखबर। अभी हम पहुंच गए हैं 7 स्टूडियो के पास। ये अबोहर में नया खुला है यार, ठीक है। अभी अभी अपनी इंग्लिश की और प्री वेडिंग सॉन्ग वगैरह शूट करने के लिए बनाया गया है। तो कोशिश करेंगे यहाँ भी आने की कभी, ठीक है। अभी मैंने उनसे पूछा नहीं है, कोशिश तो की है अभी उनसे बात चले और हम वीडियो बनाएं अंदर, ठीक है। तो बनाएंगे कभी। बेफिक्र
सेवन स्टूडियो से कुछ नहीं लेना, हमें चाहिए रामसरा पहुंचना है। तो उस टारगेट को पूरा करना है आज। काफी अंधेरा हो चुका है और मुझे वापसी का डर लग रहा है, कैसे जाऊंगा। तो लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं रामसरा। ठीक है, ये रामसरा का शनिदेव मंदिर है। ठीक है, यहाँ मत्था टेकेंगे और यहीं से वापस जाएंगे। स्कूल यहीं पास में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी पे है। वो सामने स्कूल की लाइटिंग है। ठीक है, तो हमारा स्कूल यहीं पे है। तो फिलहाल तो इसी के साथ हमारा सफ़र होता है ख़त्म। कल कहीं और ट्राई करेंगे नया। ठीक है, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो बताना कि ऐसे व्लॉग बनाए जाएँ या ना बनाए जाएँ।